हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे नेमरा सुंडा बुक सीरीज के के टॉपिक थर्ड बारे में। आज का हमारा टॉपिक है एग्रोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में सबसे पहला पॉइंट है हमारा माइको राजा इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन जो माइको राजा होता है वो किसके बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट वेस्कुलर एबस्कुलर माइकोराइजा वी ए एम इज यूज एजुलर एबस्कुलर माइकोराइजा है उसका यूज किया जाता है फास्फोरस फॉसपोरसोलोब्लाइजिंग फंगा इन प्लांट रूट जो प्लांट की रूट में फास्फोरस सोलबलाइजन का काम करता है वी ए एम सीरियल्स आर डेफिशियंट इज विच एमिनो एसिड सीरियल्स में कौन से एमिनो एसिड की डेफिशियंसी पाई जाती है तो लाइसेंस की एमिनो एसिड विच इज डेफिसियट इन लेग्यूम्स और लेग्यूम्स में मेथियोनिन की सीरियल्स होते में लाइसिन की कमी पाई जाती है और लेग्यूम्स में मेथियोनिन की पावर टिलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जो पावर टिलर है मोस्ट सुटेबल होता है पेटी के कल्टीवेशन के लिए अमोनियम पोलिफासफेड कंटेंट जो अमोनियम पोलीफासड है उसमें फिफ्टीन परसेंट नाइट्रोजन एंड सिक्सटी टू परसेंट पीटीओफा पाया जाता है टीजे टेस्ट इज डन फॉर जो टेट्राजोलियम टेस्ट होता है वो सीड की वाइबिलिटी को टेस्ट करने के लिए किया जाता है कि सीड जीव जीवित है या सीड की डेट हो चुकी है वो अब जर्मिनेट कर सकता है नहीं ये टेस्ट करने के लिए टेट्राजोनियम टेस्ट का यूज किया जाता है इन वेट नर्सरी ऑफ राइस लेवल ऑफ वाटर इज मेन्टेन जो राइस की नर्सरी तैयार की जाती है उसमें वाटर का कितना लेवल मेंटेन किया जाता है वो फाइव सेंटीमीटर होना चाहिए द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ पडलिंग इन राइस जो अपन राइस में पडलिंग करते हैं उसकी एक ऑप्टिमम डेप्थ कितनी होना चाहिए फाइव सेंटीमीटर नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर ऑब्जर्वड बाय जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है सन के द्वारा उनको किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है एब्जॉर्ब किया जाता है ओजोन लेयर के द्वारा फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ आई ए आर आई बास फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर कौन थे आई ए आर आई के डॉक्टर बी विश्वनाथ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन इन भीट इज जो अपना है उसकी मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सी की तो वो आर आई क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज ये सोइंग के ट्वेंटी वन डेज बाद आती है जुमिंग इज ए प्रैक्टिस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन जो जुम्मिंग प्रैक्टिस होती है शिफ्टिंग कल्टिवेशन बोलते हैं अपने जुम्मिंग प्रैक्टिस बोलते हैं राइस के लिए वो पर होती है इंडिया में तो मेनली कहाँ होती है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपन अपना रहे हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना द प्लांट ग्रोइंग इन साल्ट वाटर आर नोन एस जो प्लांट है वो सोल्ट वाटर जैसे समुद्र के पानी में उगाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें कहा जाता है हेलो फाइट्स क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर किसके द्वारा मेजर किया जाता है तो इंफ्रारेड थर्मामीटर के द्वारा रिक्लेमेशन डिसीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जो रिक्लेमेशन डिसीज है ये मेनली सीरियल्स में होती है ये किसकी डेफिशिएंसी होती है कॉपर की डेफिशिएंसी से होती है हार्मोन रिलेटेड टू डोट टोलरेंट इज वो कौन सा हार्मोन है जो डोट टोलरेंट से रिलेटेड होता है वो एफिसिक एसिड कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर इज ट्वेंटी परसेंट हार्मोन यूज एज एन हर्बिसाइड वो कौन से हारमोन है जिनको हर्बिसाइड के रूप में भी यूज किया जाता है तो वो है वह एंड एंडा एलिमेंट अवेलेबल इन बोथ एनायन एंड केटायन इज वो कौन सा एलिमेंट है जो एनायन और केटाइन दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन एनायन फॉर्म में भी होता है और केटायन फॉर्म में भी होता है डोरमिसी बेकिंग वो कौन सा हारमोनिज डोरमिंसी को ब्रेक कर देता है वो है जिब्रेलिक एसिड रिंग वर्म डिसीज इज कोज बाय जो रिंग वर्म डिसीज होती है वो किसके द्वारा होती है फंगस के द्वारा मानसून इज रिस्पॉन्सिबल टू कोज रेनफॉल इन तमिलनाडु वो कौन सा मानसून है जो तमिलनाडु में रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल uh, होता है स्पेशली तमिलनाडु में नॉर्थ ईस्ट मानसून सभी जगह जो होती है मोस्टली जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून की द्वारा होती है लेकिन तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट है वहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा बारिश होती है

वर्टिकल मल्च इज यूज इन विच टाइप ऑफ सॉइल जो वर्टिकल मल्च है वो ब्लैक कॉटन सॉइल में यूज की जाती है क्राइटेरियालिटी वर गिवन बाय जो असेंसिलिटी का क्राइटेरिया का है आनंद दिया गया था उन्नीस सौ उनचालीस में द ऑप्टीम स्पेसिंग फॉर वीट इज वीट के लिए ऑप्टियम स्पेसिंग कितनी होती है लाइन टू लाइन ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर जो अपन वीट को अप लगाते हैं उसमें जो अपन डिस्टेंस रखते हो कितनी रखते हैं ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर द नॉन ट्रेडिशनल एरिया फॉर कल्टीवेटिंग वीट इज ईस्टर्न इंडिया यहाँ पे जूमिंग खेती वगैरह हो होती है नॉन ट्रेडिशनल एरिया है मेजर फास्फोरस फर्टिलाइजर कॉमनली यूज इन इंडिया इज वो कौन सा फास्फोरस फर्टिलाइजर है जो इंडिया में मोस्टली यूज किया जाता है वह है डी एपी स्टेट हैविंग मिनिमम बीपीएल पॉपुलेशन वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे बीपीएल पॉपुलेशन सबसे कम है तो पंजाब तो पंजाब में खेती अगर ज्यादा होती है तो यहाँ पे बीपीएल पॉपुलेशन सबसे कम है और मैक्सिमम कहाँ पर है बिहार में बायो फर्टिलाइजर मोर फॉर शुगर केन वो कौन सा बायो फर्टिलाइजर सुगर केन क्रॉप के लिए मोर सुटेबल है तो वो है एजोटोबेक्टर डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ सोयाबीन सीड सोयाबीन सीड को लगाने के लिए कितनी डेप्थ होनी चाहिए तो तीन सेंटीमीटर गहराई पे सोयाबीन को लगाना चाहिए फर्स्ट वेराइटी ऑफ राइस इंट्रोड्यूस इन इंडिया इज वह कौन सी फर्स्ट वैरायटी है राइस की जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी टी एन फर्स्ट राइचुंग नेटिव फर्स्ट इन 1964-65 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी इंडियन मस्टर्ड इज नॉन एस इंडियन मस्टर्ड को किस नाम से सेना जाता है ब्रेसिका जनसिया एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर इज एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर कौन सा है अमोनियम नाइट्रेट मोस्ट प्रोमिनेंट सोइल ग्रुप ऑफ इंडिया मोस्ट प्रोमिनेंट मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सोइल ग्रुप इंडिया कौन सा है एलोवियल सॉइल इन एस एस पी सल्फर कंटेंट जो एस एस पी है सिंगल सुपर फेड उसमें सल्फर की मात्रा होती है कितनी ट्वेल्व परसेंट विच माइक्रोन्यूट्रिय डेफिशियंट इन इंडियन सोइल वो कौन सा माइक्रो न्यूट्रियट है जो इंडियन सोइल में डेफिशियट होता है जिंक और माइक्रोन्यूट्रियट होता है अपना नाइट्रोजन नाइट्रोजन सबसे कम अगर माइक्रोन्यूट्रिय देखेंगे तो नाइट्रोजन सबसे कम पाया जाता है और माइक्रो न्यूट्रिय में देखेंगे तो जिंक सबसे कम पाया जाता है स्पाइक टूथ इज अ टाइप ऑफ इंप्लीमेंट जो स्पाइक टूथ हेरो है वो सेकेंडरी टलेज इंप्लीमेंट हेरो है, है जितने भी होते हैं सब सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट होते हैं मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल फॉर करेक्टिंग सोयल एसिडिटी वो कौन सा मटेरियल है जो एसिडिटी को जो सॉइल में एसिडिटी होती है एसिडिक सॉल होती है उसको सही करने के लिए यूज किया जाता है वो है लाइम दियारा कल्टिवेशन मेथड इज फॉलोड इन जो दियारा कल्टिवेशन मेथड है वो कौन सी क्रॉप का यूज की जाती है वो कुकर ब्रीड्स के लिए यूज की जाती है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज ऑर्गेनिक मैटर का कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कितना होता है टेन इजू वन नेशनल सीड एक्ट वाज पास इन जो नेशनल सीड एक्ट है वो कब पास हुआ था 1966 में नेशनल सीड कारपोरेशन कब बना था 1963 में रूट प्रोमोटिंग हार्मोन है आईबीए इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड फ्लावर एंड फ्रूट सेटिंग हार्मोन वो कौन सा हार्मोन है जो फ्लावर ऑफ फ्रूट को सेट करता है वो वहाँ पे स्लोप कितना होना चाहिए लगभग

नेक्स्ट है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इज़ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है एजोटो बेक्टर द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज नोन जो फ्रूट मस्टर्ड होता है उसके फ्रूट को किस नाम सेलिकवा सप्लीमेंटल इरीगेशन इज नोन एज सप्लीमेंटल इरीगेशन को किस नाम से लाइफ सेविंग इरीगेशन मेजर एग्रीकल्चर इंपोर्टिंग कमोडिटी इन इंडिया वो कौन सी कमोडिटी जिसको सबसे ज्यादा इंडिया के द्वारा इम्पोर्ट किया जाता है अन्य कंट्रियों सेरायटी है सुपर राइस प्लांट वी सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन सेम प्लांट आर नोन एज एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं लेकिन दोनों सेपरेट पाए जाते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है उन्हें जाना जाता है मोनोसियस नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड इज सिचुएटेड एट नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कहाँ पर है न्यू थेली ब्रूपोर्ड स्केलोर्ड स्केल का यूज विंड फोर्स या विंड स्पीड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है वन स्टैंडर्ड एटमोस्फियर इज इक्वल टू एक जो एटमोस्फियर होता है वो किसके बराबर होता है एक हजार तेरह दशमलव पच्चीस एम बी डाइबेग ऑफ सुट ओक ड्यू टू डेफिशियं ऑफ जो डायबेग डिसीज होती है वो किसकी डेफिसिय होती है कॉपर की डेफिशियंसी

जो पोटेटो के ट्यूबर्स होते हैं वो किसका होते हैं स्टेम का का तने मोटिफाइड होता है पोटेटो के सोइंग ऑफ केन इन ट्रेंच ट्रेंच मेथड मेथड इज हेल्पफुल टू प्रिवेंट है वो पाई के लिए अपन यूज करते हैं मेनली सुगर केन में लॉजिंग को रोकने के लिए मतलब उनको नीचे गिरने से रोकने के लिए अपन ट्रेंच मेथड यूज की जाती है फॉर सीड परपज केरोट इज ग्रोन सीड परपज के लिए केरोट जो लगाई जाती है वो बाय नील होती मतलब दी होती है और अगर अपन नॉर्मल खाने के लिए लगा रहे हैं उसकी रोड के लिए तो वो एन्य होती है बोरोन इज हार्मफुल टू प्लांट वेन कंसेंट्रेशन इज अगर बोरोन का मोर देन थ्री पीपीएम यूज किया जाता है तो जो प्लांट होता है उनके लिए हार्मफुल होता है प्लांट को वो नुकसान पहुंचाने लग जाएगा कोई फायदा नहीं करेगा वेज क्रॉप हैज मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अमोंग द सीरियल्स वो कौन सी क्रॉप है जिसकी प्रोडक्टिविटी पूरे सीरियल में सबसे ज्यादा होती है मेज इसी कारण मेज को अपन सीरियल की क्वीन कहते हैं क्वीन ऑफ सीरियल्स कहा जाता है, है क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है केओलिन इज अ टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट

टोबेको का ओरिजिन है मेक्सिको स्टेट हैविंग हाईएस्ट एरिया अंडर समर मेज, वो कौन सा ए स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा समर मेज का एरिया है तो वह है बिहार इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इज पब्लिश्ड बाय इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस जो मैगजीन है वो कहा से पब्लिश होती है आईसीआर के द्वारा येलोविंग ऑफ टी लीव्स मे बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जो टी की येलोविंग uh, हो जाती है टी लीव्स वो किसके से होती है सल्फर की डेफिशिएंसी के से द ग्रीन हाउस गैस दैट रिलीज फ्रॉम पेडी फिल्ड वो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो पेड़ी की फील्ड से ले जाती है पेटी की फील्ड से मिथेन गैस रिलीज होती है इडेबल पार्ट ऑफ स्वीट पोटेटो स्वीट पोटेटो का नेम क्या है आइपोमिया बटाटा इसका इडेबल पार्ट होता है एडवेंसियस रूट कार्बन डेटिंग टेक्निक टू डिटरमाइन ओ एज ऑफ जो कार्बन डेटिंग डेटिंग टेक्निक है वो फोजाइल की एज को डिटरमाइन करने के लिए यूज की जाती है नेक्स्ट है द इिगेशन मेथड विच इज सुटेबल फॉर फ्लडिंग सेलाइन ऑयल मतलब सेलाइन सोइल है उसमें कौन सी मेथड अपने को इरीगेशन की यूज करना चाहिए फ्लडिंग मेथड इससे क्या होगा कि जो हमारी मिट्टी में सॉल्ट है वो कैसे बाहर निकल जाएंगे और मिट्टी सही होती जाएगी एलिमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस एंड ड्रॉट रजिस्टेंट वो कौन सा एलिमेंट है जिसका यूज डिस एंड ड्रॉट रजिस्टेंट के लिए यूज किया जाता है तो वो है पोटेशियम एलिमेंट इनवोल्ट इन एनर्जी ट्रांसफर एंड स्टोरेज इन प्लांट वो कौन सा एलिमेंट है जो एनर्जी को ट्रांसफर करता है और प्लांट में स्टोरेज करता है वो है फास्फोरस

हाइएस्ट कंजन ऑफ पोटासिक फर्टिलाइजर इन इंडिया पोटास फर्टिलाइजर सबसे कंजर्शन कहा वर्ल्ड सबसे ज्यादा कौन सी सीरियल क्रॉप है जिसका प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड में वो है वीट सीड रेट ऑफ सोरगम सोरगम की सीड रेट नाइन टू ट्वेल्व के जी पर हेक्टे डी सकरिंग इज ए इंपोर्टेंट प्रैक्टिस ऑफ डी सकरिंग इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस किसमें है टोबेको में डी सक्रिंग में किया जाए तो सकर्स रहते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है नेम द वीट फर्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल वो कौन सा वीड है जिसका फर्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल किया गया था वह हैो को एडोप किया गया था कर्नाटका सोयल मॉइस्टर टेंशन डायरेक्टली मेजर बाई टेंटर इवापो ट्रांसप्लेन को मेजर किया था लाइसीमीटर के द्वारा पार्सल फ्लेम इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ पार्सल फ्लेम का यूज किया जाता है वाटर फ्लो के मेजरमेंट के लिए फ्लड इरिगेशन मेथड इज सुटेबल इन द्रोप फ्लड इरिगेशन जो मेथड है वो राइस और जूड क्रॉप के लिए सुटेबल होती है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन थ्रू इरिगेशन इज नोन अस अगर फर्टिलाइजर को इरिगेशन के साथ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है फर्टिगेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस इन राइस फील्ड इज वह है पटलिंग पटलिंग सबसे ज्यादा मेन प्रैक्टिस है राइस फील्ड में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज इन सीरियल अकाउंट फॉर सीरियल का 10 परसेंट पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाता है कटाई के बाद 10 परसेंट लॉस हो जाता है साल्टेशन इज ए प्रोसेस ऑफ साल्टेशन एक विंड इरोजन की प्रोसेस है इरीगेशन इफिशियंसी ऑफ लोमीसोइल लोमीसोइल की इरीगेशन इफिशियंसी कितनी होती है सेवेंटी परसेंट होती है यह सबसे हाइएस्ट है सोइंग पेटर यूज इन ड्राईलैंड ड्राईलैंड में कौन सा सोइंग पेटर यूज किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग मोस्ट इफिशियंट मेथड ऑफ इरीगेशन इरीगेशन की मोस्ट इफिशियंसी मेथड कौन सी है ड्रीप इरीगेशन इसमें सब सबसे ज्यादा वाटर सेव होता है एक्सटेंसिवली ग्रोन पल्स क्रॉप इन इंडिया इज सबसे ज्यादा उगाई जनरली पल्स क्रॉप इंडिया में कौन सी है जिकपी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर्ड बाय रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है साइक्रोमीटर के द्वारा क्रॉप ग्रोइंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ सोइल मॉइस्चर इज नोन एज वो कौन सी क्रॉप है जिसको अपन मतलब क्रॉप अपन लगाते हैं सोइल का जो मॉइस्चर है उसको कंजर्व करने के लिए उसको बचाने के लिए मल्च क्रॉप अगर मल्च क्रॉप लगा देंगे तो सोइल का जो, जो ट्रांसपिट इवापोरेशन होता है वो कम होगा एग्जाम्पल ऑफ इरोजन परमिटिंग क्रॉप इज इरोजन परमिटिंग क्रॉप है कौन सी मेज और इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप है काउपी एंड ग्राउंड नट द हर्बिसाइड यूज प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन कार्पोरेशन प्री प्लांट इन मतलब क्या कि सोइंग के पहले प्लांट को लगाने से पहले कौन सा जो हर्बिसाइड यूज किया जाता है वो कौन सा है इसमें मेन फ्लू क्लोरेलिन एग्जाम्पल ऑफ सी थ्री वीड सी थ्री वीड का एग्जाम्पल है बथुआ लेम्स क्वार्टर द पोटनिकल नेम ऑफ टू रोड बार्ले इज बार्ले कितने टाइप की होती है टू रो और सिक्स रो होती है टू रो बार्ले का नाम क्या है होडियम डिस्टिकॉन और सिक्स रो बार्ले का नाम है होडियम बलगेयर इन वीड क्रॉप फर्स्ट ए आई सी आर पी वेड ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट सबसे पहले स्टार्ट किया था मेज के लिए 1957 में व्हाट इज द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर बीटी कॉटन बीटी कॉटन की ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन कितनी होती है टेन थाउजेंड प्लांट पर हेक्टेयर इसको हंड्रेड इन हंड्रेड सेंटीमीटर पर लगाते हैं इसमें टेन थाउजेंड प्लांट पर हेक्टेयर लग जाते हैं ड्रॉपसी डिसीज इन ह्यूमन बिंग इज कोस्ड द वीड ड्रॉपसी डिस होती है ह्यूमन में किसकी वजह से होती है आर्जीमोर मेक्सिकाना एक वीड है जिसको सत्यानाशी भी कहा जाता है ये अगर अपने जो आ, मस्टर्ड के साथ मिल जाएगा तो हुन में ड्रॉपसी डिजीज हो जाती है क्रॉप इज सुटेबल फॉर सोइल पीएच फोर टू सिक्स वो कौन सी क्रॉप है जिसके लिए सोयल पीएच फोर टू सिक्स होगा तो वो वहां पे अच्छा ग्रो करेगी राइस टी पोटेटोन तो इन रोड नोड्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जो रोड रोट के नोड्यूल्स है उनमें जो रेड हिमोग्लोपिन पाया जाता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑटो ओटो को ट्रांसफर करता है रेड हिमोग्लोपिन एनुअल रेनफॉल इन राजस्थान इज अबाउट राजस्थान की एनुअल रेनफॉल कितनी है 500 टू एमिनोफिलिक प्लांट एमिनोफिलिक प्लांट कौन कौन से है सुगर कैं एंड कंट्री हैविंग 100 परसेंट ऑफ द क्रोप्ड एरिया अंडर इरिगेशन वो कौन सी कंट्री जिसका 100 परसेंट जो एरिया है वो इरिगेटेड है वो है इजिप्ट इजिप्ट का पूरा एरिया हंड्रेड एरिया जो है वो इरीगेटेड है कंट्री हैविंग हाइएस्ट इरीगेशन इफिशियंसी हाइस्ट इरीगेशन इफिशियंसी कहां की है इसराइल की और कंट्री हैविंग हाइएस्ट इरीगेटेड एरिया हाइएस्ट इरीगेटेड एरिया कहां का है इंडिया तो हम देखिये सबसे ज्यादा इफिशियंसी की बात करेंगे तो वो इसराइल की लेकिन हंड्रेड परसेंट क्रॉप्ड एरिया इजिप्ट का है और हाइएस्ट इरीगेटेड एरिया कहाँ का है इंडिया का ऑप्टिकल वेवलेंथ इन रिमोट सेंसिंग रेंज रिमोट सेंसिंग की वेवलेंथ की रेंज क्या है पॉइंट थ्री टू फिफ्टीन माइक्रोमीटर

पूसा जाइंट इज द वेराइटी ऑफ किसकी वेरायटी है जिसका सबसे ज्यादा प्लांट, लिए प्लांट के लिए यूज होता है वाटर तीन टाइप के होते हैं कैपिलरी वाटर हाइग्रोस्पाटर और ग्रेविटेशनल वाटर लेकिन प्लांट के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा है जो प्लांट यूज कर सकते हैं वो है कैपिलरी वाटर एट इक्वेटर डे एंड नाइट आर ऑलवेज पर डे और नाइट ऑलवेज इक्वल होते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑलवेज डिक्रीज विथ डिक्रीज होता है एल्टीट्यूड के साथ में मेंटल हीट ट्रांसफर फ्रॉम वार्मर एरिया टू कूलर एरिया द इफेक्ट इज नोन एज हीट ट्रांसफर होगा वार्मर एरिया टू कूलर एरिया तो उसको अपन क्या कहेंगे क्लॉथ लाइन इफेक्ट और अगर वर्टिकल हीट ट्रांसफर होगा वार्मर टू कूलर क्रॉप एरिया तो उसको बोलते हैं ओएसिस इफेक्ट द एंजाइम ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इज वो कौन सा एंजाइम है जिसका यूज नाइट्रोजन रिडक्शन के लिए किया जाता है वो है नाइट्रोजिनेज द एलिमेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्शन इज द और एलिमेंट कौन सा यूज किया जाता है नाइट्रेट रिडक्शन के लिए मॉलिपटेनम मोस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप रिक्वायर दी एच रेंज फॉर ऑप्टियम ग्रोथ इज मोस्टली जो क्रॉप होती है अपनी कौन से पीएच रेंज पर मतलब अच्छी ग्रोथ करती है सिक्स पॉइंट फाइव टू सेवन अगर पीएच है सॉइल का तो वहां पर अधिकतर क्रॉप ग्रो कर लेगी कुछ क्रोप रहती है जो कम पीएच पे भी करती है कुछ पीएच भी करती लेकिन मोस्टली 6.5 टू 7 पे, है तो वहाँ पे है। Hence, are, तो क्या, होती है? में होती है। as, की क्या जाता है डेल्टा एरिया इरीगेटेड बाय वन क्यूसेक डिस्चार्ज ऑफ वाटर इज पीरियड इन डेज फॉर विच इगेशन इज सप्लाइड टू ए क्रॉप उस पीरियड को क्या कहा जाता है बेस पीरियड In oil is due to. Oil में जो रेंसिडिटी होती है वो ऑक्सीडेशन की वजह से होती है आर एम ओ फोर्टी एंड आर एम ओ टू फाइव सेवन इलाइट वेरायटी ऑफ मूंग आर मूंग बीन की इलाइट वेराइटी कौन सी है पूा पैसा e की एस एम एल सिक्स एट जीरो पॉइंट सोल फाइव लीटर ऑफ वाटर इज फाइव हंड्रेड एम एल बायोक्लाइमेटिक क्लाइमेटिक लो वाज बाय जो बायोक्लाइमेटिक लॉज़ है वो होपकिल से हाइस्ट पोटेशियम अपटेक वो कौन सी क्रोप है अपटेक करती है वो है पोटेटो द लो प्रेशर एरिया नियर द इक्वेटर इज कार्ड इक्वेटर के नियर जो सबसे लो प्रेशर एरिया है उसको डोलड्रम कहा जाता, जाता है या आई टी सी एन कहा जाता है

हेक्टेयर फॉर एट आवर्स वेटलैंड है जो आठ घंटे घंटे का एक दिन गिना जाता है जिसमें हेक्टेयर को क्या करता है वो प्लाउ कर देता है ये वुडन का बना होता है ये स्मॉलेस्ट होता है अब हम बात करते हैं ब्लेड हेरो ब्लेड हेरो को बखर के नाम से भी जाना जाता है ये वीट कंट्रोल करता है सोइंग के पहले द स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरीगेशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड बाय द रिलीज ऑफ लेट एंड ऑफ फ्यूजन स्प्रिंकलर सिस्टम है इरिगेशन का अगर उसका करेंगे तो अपनी जो क्रॉप है उसमें कोल्ड का जो पाला पड़ता है कोल्ड का असर नहीं होगा उससे रिलैक्सेशन मिलेगा उसको स्प्लिटिंग ऑफ ए पोल्ड और फ्रूट इज कैरेक्टर इज मैटर इन मेच्यूरिटी नॉन जो अपने पल्स होती है उनमें क्या होता है स्प्लिटिंग हो जाती है मतलब जो फलियां होती है वो फूटने लग जाती है क्या है एक मेच्यूरिटी का इंडक्शन uh, है कि हाँ तुम्हारी मतलब अपनी जो क्रॉप है वो पक चुकी है

ग्रास ऑफ लो मैग्नीशियम कंटेंट सफर फ्रॉम हाइपोमैग्नीशिमिया कॉमनली कार्ड एस ग्रास जो कैटल है उन्हें अगर लो मैग्नीशियम वाला चारा लगातार खिलाया जाएगा तो उनमें एक डिसीज हो जाएगी जिसे हाइपोमैग्नेशियम कहा जाता है और इसका कॉमनली क्या कहा जाता है इसे ग्रास डिटेनिंग मतलब कम मैग्नेशियम वाला अगर चारा लगातार केटल खाती रहेगी तो उन्हें ग्रास डिटेन नाम की डिसीज हो जाएगी द प्रैक्टिस ऑफ क्रेजिंग ऑफ एनिमल्स ऑन पब्लिक लैंड इज कार्ड मतलब पब्लिक लैंड पे जो आपने पशु चढ़ते रहते हैं उसे क्या जाता? उसे, जाता उसे को जाता? At place, क्या कहा कहा जाता जाता है? है है लैंड को रेंचिंग। एक स्टेट या कंडीशन है जो एक स्पेशल प्लेस uh, पे या एक, एक निश्चित टाइम पर घटती घटनाएं है उनको क्या जाता है वेदर रिसेंटली साइंटिस्ट तो वो कौन सा जम्प uh, जम्स है वो है कंट्रासेप्टिव इंडिया रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन एंड कंज्पशन ऑफ सुगर इन द वर्ल्ड सुगर के प्रोडक्शन और कंज्पशन दोनों में इंडिया की रैंक क्या है फर्स्ट द टोबेको कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम एक्साइज रेवेन्यू अमॉन्ग एग्रीकल्चर कमोडिटी इन इंडिया सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली एग्रीकल्चर कमोडिटी कौन है इंडिया में टोबेको इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव डेवलप एंड ग्रोन हाइब्रिड कॉटन कमर्शियल इंडिया एक अकेली कंट्री है जो हाइब्रिड कॉटन को डेवलप भी करती है और उसे ग्रो भी करती है कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द कंट्री सबसे कॉफी का प्रोडक्शन कहा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग कंट्री ऑफ टोबेको इन द वर्ल्ड थर्ड पोजिशन चाइना जो है टोबेको के प्रोडक्शन और कंज्यूमर फर्स्ट नंबर पे जबकि इंडिया की थर्ड पोजिशन है फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेड इज ए केमिकल यूज इन एग्रीकल्चर क्रॉप इन ऑर्डर टू रेडियो ट्रांसपोरेशन जो पी है उसका यूज ट्रांसपोरेशन को कम करने के लिए किया जाता है ज्वार इस ज्वार को अपन केमल क्रॉप और किंग ऑफ पोरा से ग्रेन के नाम से जानते हैं इंडिया सेकंड कंट्री है चाइना के बाद जिसने हाइब्रिडराइज टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज किया है एच डी टू थ्री टू नाइन वेराइटी ऑफ वीट कंट्रीब्यूट मैक्सिमम प्रोडक्शन ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वीट की वो कौन सी वरायटी है जिसने ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइप सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है तो वो है एच डी टू थ्री टू नाइन प्लांट रेक्टूलिटी प्लांट रेटेंगुलटी किसको कहा जाता है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस अपॉन रो टू रो डिस्टेंस

जो जिस डायरेक्शन से विंड डा, आती है उस डायरेक्शन को क्या कहा जाता है विंड वार्ड साइड एग्रोनोम इरोजन वेयर स्लोप इज एग्रोनोमिक मेजर कब अपनाया जाता है जब स्लोप होता है लेस देन टू परसेंट और अगर स्लोप मोर देन टू परसेंट वहां पर मैकेनिकल मेजर्स को अपनाया जाता है बेंच टेरेसिंग यूजली ए प्रैक्टिस ऑन स्लोप रेंजिंग फ्रॉम बेंच टेरेसिंग कहाँ अपनाई जाती है जहाँ पे स्लोप लगभग सोलह से तैतीस परसेंट होता है द हाइएस्ट अवार्ड प्रेजेंट टू एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इन द कंट्री रफी अहमद अवार्ड अहमद्रीब्यूशन टू जी डी पी ऑफ इंडियन हैज बीन डिक्रीजिंग इन विच फाइव ईयर प्लान एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग इन इंडिया वॉज इनिशियटिंग वो कौन सा फाइव ईयर प्लान है जिसमें जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उनको इनिशियट किया गया था वह सेवंथ फाइव ईयर प्लानीन एटी एट में इन राइस फील्ड आउट बाय ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन के फील्ड में पैटर्न ऑफ प्लांटिंग विच प्लांट है The pattern of planting which has maximum plant population. वो कौन सा प्लांटिंग का पैटर्न है जिसमें सबसे ज्यादा प्लांट लगाए जा सकते हैं वो है क्यूबोडियल पैटर्न कल्टीवेशन ऑफ सच ग्रोप विच हैबिट एंड जीरो

जो शुगरकिन के हम रेटोन क्रॉप लेते हैं वो कितने टाइम अपने कितनी बार अपने को लेना चाहिए तो वन अगर अपन सिर्फ एक बार लेंगे तो ही वो मतलब अपने के लिए बेनिफिशियल होगी रेटन क्रॉप क्या होती है कि शुगरकिन की अपन ने जब एक बार क्रॉप लगाई उस मेन क्रॉप की कटाई के बाद उसी जो बचे हुए हैं स्टबल उनसे ही दूसरी क्रॉप लेना उसको क्या कहा जाता है रेटोन क्रॉपिंग कल्टिवेशन ऑफ ट्रू और मोर देन टू क्रॉप ऑफ डिफरेंट हाइट साइमन टेले सर्टन पीस ऑफ लैंड इन इस कार्ड मल्टी स्टोक क्रॉपिंग एक एक ही लैंड पर एक साथ में दो या दो से ज्यादा क्रॉप अलग अलग हाइट की उगाना क्या कहलाता है मल्टी नर्सरी एरिया रिक्वायर्ड फॉर सीडलिंग ऑफ वन हेक्टेयर राइस फील्ड के लिए कितना नर्सरी एक होता है? टीप N2 की जो टीप है उसमें क्या होता है कि में नाइट्रोजन ऑक्सीजन की कमी हो जाती है रेड एंड पर्पल कलर ऑफ मेज लीव इज ड्यू टू डेफिशियं ऑफ जो तो मेज की रेड और, और पर्पल कलर की फॉस्पोरस की डेफिशियं से अब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ ओरिजन की तो जो सेंटर ऑफ ओरिजन है वेविलो वेविलो के द्वारा दिए गए थे ने आठ सेंटर ऑफ ऑरिजन दिए थे और थ्री सब सेंटर दिए थे इसमें हम देखते हैं मेजर क्रॉप्स के ओरिजन कौन कौन से थे राइस का ओरिजन क्या है साउथ ईस्ट एशिया या बर्मा सुगर के न्यू गायना व्हीट का है साउथ वेस्ट एशिया ग्राम का है साउथ वेस्ट एशिया टी चाइना सोयाबीन चाइना मस्टर्ड चाइना काउपी अफ्रीका मेज का है सेंट्रल अमेरिका मेक्सिको टोबेको सेंट्रल अमेरिका ग्राउंडनट ब्राजील मूंग है इंडिया पोटेटो साउथ अमेरिका पेरू कोटन इंडिया ब्रिंजाल इंडिया अरहर अफ्रीका ज्वार अफ्रीका बाजरा अफ्रीका अभी टर्म्स एंड रिलेटेड एग्रोनॉमिस्ट इसमें कुछ टर्म दी गई है और एग्रोनोमिस्ट के नाम दिए गए इरिगेशन एग्रोनॉमिक इरिगेशन एग्रोनॉमिक कौन है डॉक्टर एन जी दस्ताने क्रॉपिंग सिस्टम क्रॉपिंग सिस्टम टर्म किसके द्वारा द्वारा दिया गया था डॉक्टर एस एस बेंस के इरिगेशन इंजीनियरिंग इरिगेशन इंजीनियरिंग दिया गया है ए एम माइकेली के द्वारा रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सीआरआई स्टेज ग्राउंड रूट इनिशिएशन स्टेज ऑफ इरिगेशन इन वीट बी एल भारद्वाज फंक्शनल न्यूट्रिएंट दिया गया था निकोलस के द्वारा 1963 में असेंशियल ऑफ न्यूट्रिएंट का क्राइटेरिया किसके द्वारा किया था आर्न एस्टाउट के द्वारा दिया गया था उन्नीस सौ उनचालीस इन्होंने कितने बताए थे उस टाइम पे सोलह न्यूट्रिएंट बताए था जो असेंशियल होते हैं और फिर इसको रिफाइंड किया था आर्नर ने नाइनटीन फिफ्टी फोर में और एको न्यूट्रेंट जोड़ा गया था निकिल और आप टोटल आई डब्लू सीपी रेस ऑफ परिहार इट अल के द्वारा नाइन फिफ्टी एज फोर हाइब्रिड ऑफ कॉटन डॉक्टर सी टी पटेल के द्वारा गुजरात में दिया गया था नाइनटीन सेवेंटी जया जया एक फर्स्ट इंडियन वेराइटी राइस की डॉक्टर शास्त्री के द्वारा

फादर ऑफ पेडोलॉजी वीवी डाकूचे फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन डॉक्टर के एल चड्डा फादर ऑफ टिलस या वीट साइंस ये टीलेस के भी फादर है वीट साइंस के फादर जेथ्रो टूल फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग टेक्निक एम एल ट्रग फादर ऑफ सोयल माइक्रोबायोलॉजी एस एन वाइनोग्राफ की फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जेवी लिपिक अब हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की तो इसमें यूनिट फर्स्ट है एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी क्या है एक ग्रीक वर्ड है जो एग्रोस और से मिलकर बना है, एग्रोस का मतलब है, फील्ड और का मतलब है मतलब है मैनेज, फील्ड को मैनेज करना क्या कहलाता है एग्रो की डेफिनेशन दे रखी है पे, एग्रोनोम साइंस विद मेथड फेवरेबल एनवायरमेंट टू ग्रो फॉर हायर प्रोडक्टिविटी इंडियन एग्रीकल्चर इज प्रीडोम ऑफ द सिस्टेंट टाइप पीटर जी। ये अलग अलग साइंटिस्ट जो उन्होंने कहा था कलेक्टेड मेनी लिटरेचर इकोनॉमी इन हिज बुक ओपर रूरलियम कामोदरम ओपन रूरलियम कामोदरम किसकी बुक है पीटर को मेन प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन इज वाटर जेथ्रोटोल के अनुसार क्या था जेट्रोटोल की एक बुक थी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री और जेथ्रोटोल ने वर्ड दिया है वीट और इनको फादर ऑफ वीट साइंस भी कहा जाता है ऑर्थर ने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर डेप किया गया है लिफ एरिया इंडेक्स क्या होता है टोटल लिफ एरिया इन मीटर स्क्योर अपॉन ग्राउंड एरिया इन मीटर स्क्र लैंड इक्विलेश होता है इल्ट ऑफ इंटरक्रॉपिंग ए प्लस बी अपॉन इल्ट ऑफ सोल क्रॉप इट मीनस द रिलेटिव लैंड एरिया ए सोल क्रॉप डेट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिल्ल एसी टू इंटरक्रॉपिंग इसमें हम देखें ए का मतलब क्या है तो ए का मतलब है इसमें सोल क्रॉप बी का मतलब है इंटरक्रॉप लैंड इक्विलेंट रेशो अगर वन से ग्रेटर होगा तो इंटरक्रॉपिंग बेनिफिशियल है अगर वन से कम हो रहा है तो फिर सोल क्रॉपिंग लगा दो इंटरक्रोपिंग का कोई फायदा ही नहीं है लैंड इक्विडेंट रेशो वन पॉइंट टेन मीन्स मिक्सचर ग्यूज टन परसेंट मोर एल्ड मतलब अगर लैंड इक्विडेंट रेशो वन पॉइंट वन जीरो है मतलब जो हमने मिक्सर लगाया है दो क्रॉप 10% क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंटेंसिटी क्या है टोटल क्रोपिंग एरिया अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया इनटू 100 हंड्रेड इंडिया की क्रोपिंग इंटेंसिटी वन थर्टी फाइव के, के लगभग है क्रॉप रोटेशन एक क्रॉप रोटेशन लैंड इज फिक्स पर क्रॉप इज रोटेड इयर आफ्टर ईयर ऑन सेम लैंड क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि इसमें लैंड तो फिक्स रहती है लेकिन क्रॉप क्या रहती है ईयर आफ्टर ईयर मतलब हर साल क्रॉप इसमें रोटेट करते तो मतलब जैसे पल्स वाली क्रॉप लगाई उसके बाद सीरियल क्रॉप लगाई डीप रोटेड क्रॉप के बाद सेलोर रोटेड क्रॉप लगाई जाती है एग्जाम्पल देखो आफ्टर कलेशन ऑफ सीरियल शुड बी टेकन पल्स क्रॉप इन नेक्स्ट ईयर इन मेंटेन एंड इम्प्रूव सोयल प्रोटेट किसके लिए अपना जाता है क्रॉप रोटेशन तो सोइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए सोइल इरोजन को कम करने के लिए सोइल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए इट इंसिडेंट टू हमार्मर हाँ पैथोजन इंसेक्ट पेस्ट नेमाटोड एंड वीट आर एसोसिएट पार्टिकल क्रॉप भी मैनेज अपन एक ही क्रॉप लगाते रहेंगे तो जो इंसेक्ट पेस्ट है वो लगातार अटैक करते रहेंगे लेकिन जैसे ही क्रॉप चेंज करेंगे तो इंसेक्ट पेस्ट का जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको भी कम कर सकते हैं उसी को मैनेज करने के लिए अपन क्रॉप प्रोटेशन अपनाते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन इंटेंसिटी क्या होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रॉप इन क्रॉप रोटेशन नंबर ऑफ अपॉन नंबर ऑफ इन क्रॉप प्रोटेक्शन इन टू हंड्रेड मतलब एक क्रॉप रोटेशन में कितनी क्रॉप लगाई है और कितने ईयर में क्रॉप रोटेशन हुआ है इन टू हंड्रेड क्रॉप रोटेशन फॉर वन ईयर अगर एक ईयर का क्रॉप रोटेशन है तो उसमें राइस ऑफ भी दो क्रॉप लगेगी और साल कितने हैं एक है तो उसकी क्रॉप रोटेशन प्रोटेक्शन कितनी रहेगी टू हंड्रेड क्रॉप रोटेशन फॉर टू ईयर ग्राउंड नीथ सुगर केन टोटल प्रॉफिट थ्री और ईयर कितना हो गया इसमें टू तो थ्री हंड्रेड अपॉन टू कितना हो जाएगा वन फिफ्टी परसेंट क्रॉप रोटेशन फॉर थ्री ईयर थ्री ईयर में लगेगी पेडी पोटेटो शुगर केन आर हर फीट कितनी क्रॉप हो गई इसमें फाइव क्रॉप हो गई मतलब फाइव हंड्रेड अपॉन थ्री थ्री कितना रहेगा वन सिक्सटी सिक्स परसेंट क्रॉपिंग सिस्टम जो क्रॉपिंग सिस्टम है क्रॉपिंग सिस्टम मतलब क्या होता है इट रिफर्स टू क्रॉपिंग पैटर्न यूज्ड ऑन ए फार्म एंड देयर इंटरेक्शन विद फार्म रिसोर्सेज एसोसिएट फार्म एंटरप्राइजेज एंड द अवेलेबल कंपोनेंट टेक्नोलॉजी मतलब एक बड़े एरिया में क्रॉपिंग पैटर्न को आ, किस टाइप का क्रॉपिंग पैटर्न अपनाया जा रहा है वहां पे फार्म रिसोर्सेज किस टाइप के फार्म रिसोर्स उपलब्ध है फार्म इंटरप्राइजेस क्या है कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल उसके उसके अकॉर्डिंग क्रॉपिंग पैटर्न डिसाइड किया जाता है क्रॉपिंग सिस्टम हार्वेस्टिंग इंडेक्स हार्वेस्टिंग इंडेक्स द इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ एसमेशन ऑफ सीओ टू इन फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एक्स टर्म ऑफ हार्वेस्ट इंडेक्स हार्वेस्ट इंडेक्स ऑफ कोफिशियंट ऑफ इफेक्टिवनेस भी कहा जाता है हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है कि अपन ने कोई भी क्रॉप लगाई है उसके तरह क्या इकोनॉमिक इल्ड मिली है कितनी इकोनॉमिक इल्ड है और बायोलॉजिकल इल्ड कितनी मिली इकोनॉमिक इल्ड मतलब ग्रेन अपॉन बायोलॉजिकल इन ग्रेन प्लस इंटू हंड्रेड मतलब सीओ टू उसका यूज हुआ है उसका कितना हार्वेस्टिक इंडेक्स इज सिमिलर टू पार्टीशनिंग कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है सिंक अपॉन सोर्स सोर्स इनटू क्या क्या होता है जहां पर मतलब प्लांट में जो फ्रूट बनता है मतलब जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है उसे क्या कहा जाता है सिंक सोर्स कहा जाता है ये में जनरली क्या होती है लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है तो जनरली लीव्स से ही सोर्स होती है और सिंक कहाँ पर होता है फोटोसिनसे का जो भोजन बन रहा है वो कहाँ पर इकट्ठा हो रहा है एक्यूमलेट हो रहा है तो जनरली क्या होता है ग्रेन सिंक होती है लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है जैसे जो पोटेटो है उसमें स्टेम में फूड स्टोर होता है शुगर बीट में रूट में फूड स्टोर होता है और पालक में लीव्स में होता है तो मतलब पालक में लीव सिंक है पोटेटो में स्टेम सिंक है और शुगर बीट में रूट सिंक है सोरखम सिकनेस द स्टेबल ऑफ सोलगम टेक ए लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज ड्यू टू व्हाइट कार्बन नाइट्रोजन रेशो जो सोलगम के स्टेबल होते हैं वो डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगाते हैं जिससे क्या होता है कि वो सब अधिकतर मतलब मोस्टली कार्बन नाइट्रोजन रेशो यूज कर लेते हैं डूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजन सोल नाइट्रोजन गेट ब्लॉक्स और टेम्प्रेरी इमोपर तो डिकम्पोशन धीरे दी धीरे होगा तो इस टाइम क्या हो नाइट्रोजन में वो क्या हो या तो ब्लॉक हो जाएगी या फिर टेपरली मोबाइल हो जाएगी मतलब कोई गति नहीं करेगी अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ क्रॉप बाय सक्सिडिंग अर्ली नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सिम्टम ड्यू टू वाइट रेस ऑफ सोर्गन इससे क्या होगा कि अपन कोई भी अगर दूसरी क्रॉप लगाएंगे तो उसमें नाइट्रोजन की डेफिशियं हो जाएगी तो इस सोर्गम सिकनेस को कम करने के लिए क्या करना चाहिए टू रेड्यूस रेड्यूसम इफेक्ट पच्चीस परसेंट मोन नाइट्रोजन इज एट द टाइम ऑफ फर्स्ट फर्टिलाइजर डोज ऑफ सक्सडिंग क्रॉप जो नेक्स्ट क्रोप लगाई पच्चीस परसेंट नाइट्रोजन

ड्राई फार्मिंग में क्या रहेगा जो क्रॉप uh, का फेल्यूर होना है मतलब क्रॉप ग्रो नहीं कर पाएगी या फिर पक नहीं पाएगी तो वो कहाँ यहाँ पर कॉमन है ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिड रीजन विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस ड्राई फार्मिंग सबसे ज्यादा कहाँ पर की जाती है एरिड रीजन में यहाँ पे अपने क्या करना चाहिए जो मॉइस्चर है उसका कंजर्वेशन करना चाहिए जिससे फसल ग्रो हो सके अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम इज सजेस्ट इन दिस सिस्टम मतलब यहाँ पे क्या है अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम करना चाहिए इस साल यूज कर ली फिर उसको मतलब लगातार क्रॉप नहीं लगाना चाहिए वहां पे ड्राई लैंड फार्मिंग ड्राइलैंड फार्मिंग क्या है कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन एरिया वेयर एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 750 फिफ्टी एम एम बट लेस देन इलेवन फिफ्टी एम एम इसका ड्राई लैंड फार्मिंग डायलैंड फार्मिंग मतलब होता है कि वहाँ पे क्रॉप लगाना जहाँ बारिश सात सौ mm पचास एम एम से तो ज्यादा हुई है लेकिन ग्यारह सौ पचास एम एम से कम हुई है ड्राईलैंड एरिया कहाँ पे अपनाया जाता है सेमी एरिड रीजन में अपनाया जाता है मोस्टली यहाँ पे सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन करना चाहिए और ड्रेनेज ड्रेज में भी रिक्वायर्ड स्पेशली इन ब्लैक सोइल यहाँ पे अगर ब्लैक सोइल है तो वहाँ पे ड्रेनेज की फैसिलिटी होना चाहिए रेनफेड फार्मिंग रेनफेड फार्मिंग उस रीजन में अपनाई जाती है जहां पर इलेवन फिफ्टी एम से ज्यादा बारिश होती है ये फार्मिंग प्रैक्टिस कहाँ अपनाई जाती है होमिट रीजन में अब हम बात करते हैं कुछ कंस्टिटेंट के बारे में ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग कम्पेरिजन करते हैं तो ड्राईलैंड फार्मिंग जो होती है उसमें रेनफॉल होती है एट हंड्रेड एम से कम और जो रेनफेड फार्मिंग है उसमें एट हंड्रेड एम से ज्यादा रेनफॉल होती है मॉइस्चर अवेलेबिली टू क्रॉप तो, तो यहाँ पे मॉइस्चर जो होता है वो कम होता है और पोटेंशियलो ट्रांसफर जो होता है प्रेसिपिटेशन से ज्यादा होता है और रेनफेड फार्मिंग में मॉइस्चर uh, जो होता है था, इनफ होता है क्रॉप के लिए और जो प्रेसिपिटेशन है वो ज्यादा है पोटेंशियल इवापो ट्रांसपोरेशन से ग्रोइंग सीजन ड्राइलैंड फार्मिंग में लेस देन टू डेज और रेनफेड फार्मिंग में मोर हंड्रेड टू डेज की क्रॉप लगाई जाती है जो ड्राईलैंड फार्मिंग में एरिड सब एरिड सब हुमिड एरिया में अपनाई जाती है और जो रेनफेड फार्मिंग है होमिड और सब हुमिड एरिया में क्रॉपिंग सिस्टम सिंगल और मिक्सड क्रॉपिंग अपनाई जाती है और रेनफेड में डबल और इंटर क्रॉपिंग कंसेंट्रेंट यहाँ पे देखिए विंड और वाटर इरोजन दोनों होता है लेकिन रेनफेड फार्मिंग में सिर्फ वाटर इरोजन होता है

नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये 2015 में प्लानिंग कमीशन से चेंज करके इसको नीति आयोग में बदल दिया गया क्लाइमेटिक जोन क्लाइमेटिक जोन ऑफ क्लोसीपाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ होमोजिनिटी इन एग्रो सच एज रेनफॉल टेम्परेचर सोयल टोपोग्राफी वाटर रिसोर्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वो किसके बेसिस पर डिवाइड किए जाते हैं रेनफॉल के टेम्परेचर के सॉइल के टोपोग्राफी के वाटर रिसोर्स और क्रॉपिंग सिस्टम क्या है उस एरिया का उसके अकॉर्डिंग एग्रोक्लाइमेटिक जोन को क्लासीफाई किया जाता है प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग इंडिया में कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन है फिफ्टीन एग्रो जोन में डिवाइड किया गया और एन या आई के अकॉर्डिंग हम देखें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अकॉर्डिंग वन थर्टी जोन को क्लासीफाई किया गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान यहाँ पे क्या होता है इरीगेटेड एरिया हाईस्ट है नेट सोन एरिया भी हाइएस्ट है क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी हाईस्ट है और ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन भी हाइस्ट है नेक्स्ट है अपना एग्रो इकोलॉजिकल जोन एग्रो इकोलॉजिकल रीजन इज द लैंड यूनिट कट आउट ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक रीजन वेयर सुप्रीम

रेनफॉल अगर पचास परसेंट प्रोबेबिलिटी है उसकी और पोटेशियम ट्रांसफर वहां पर तो उसके रेसो क्या कहेंगे मॉइस्चर एबिलिटी इंडेक्स इवापो ट्रांसप्लेन सॉइल मॉइस्चर इज द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर क्या है सोयल मॉइस्चर अबाउट सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ रेनफॉल इज लॉस थ्रो इवापर्सें जो अगर हंड्रेड परसेंट रेनफॉल हो रही है तो उसका सिक्सटी से सेवेंटी परसेंट रेनफॉल किस जो लॉस हो जाएगा वो इवापोरेशन की तरह हो जाएगा द इवापो ट्रांसप्लेन इज द इशन फ्रॉम द सोइल सर्फेस एंड ट्रांसप्लेन फ्रॉम द प्लांट सरफेस

ट्रांसप्रेशन को रोकने के लिए प्लांट की सरफेस पर कुछ मटेरियल लगाए जाते हैं उन्हें एंटी ट्रांसपेरेंट कहा जाता है एंटी ट्रांसपेर रेडियस फोटोसेंथस एंटी ट्रांसपेर ट्रांसप्लेन को तो कम करेगा साथ साथ में फोटोसिंथेसिस को भी कम कर देता है देयर यूज शुड बी लिमिटेड टू सेव द क्रॉप फ्रॉम देट अंडर सेवियर मॉइस्चर स्ट्रेस इनका यूज तो लिमिटेड करना चाहिए और सेवियर मॉइस्चर स्ट्रेस आगे तभी करना चाहिए दे है सम प्रैक्टिकल यूज इन नर्सर, नर्सरीज एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप इसका मैक्सिमम यूज कहाँ का यूज किया जाता है तो नर्सरीज में और हॉर्टिकल्चर क्रॉप में इसका यूज किया जाता है एंटी ट्रांसपेयर क्या है चार टाइप के स्टोमेटा को बंद ही कर देगा जिससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेशन रुक जाएगा इसके एग्जाम्पल क्या है फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड पीएमए एट्राजीन एंड सीओ टू ये तीनों क्या है एंटी ट्रांसपेरेंट है जो स्टोमेटा को क्लोज करते हैं फिल्म फॉर्मिंग सेकेंड है फिल्म फॉर्मिंग ये क्या करेगा कि जो अपना जहां से भी अपना ट्रांसपरेशन होता है वहां पे क्या कर देगा एक फिल्म बना देगा एक फिजिकल बेरियर बना देगा वो कौन कौन से है हेक्साडेकेनोल सिलिकॉन ऑयल और वैक्स थर्ड है रिफ्लेक्टिंग टाइप दिस केमिकल रिफ्लेक्ट द रेडिएशन एंड रेड्यूस लिप टेम्परेचर ये क्या करता है जो रेडिएशन आती है उनको रिफ्लेक्ट कर देता है और लिप टेम्परेचर को कम करता है इसका एग्जाम्पल है केवोलिन फाइव परसेंट रेड्यूस ट्रांसपेरेशन लोसेस ग्रोथ रिटार्ट दिस केमिकल रेड्यूस एंड इनक्रीज रूट ग्रोथ ग्रोथ क्या होते हैं कि जो सूर्ट की ग्रोथ है उसको कम कर देंगे और रूट की ग्रोथ को बढ़ा देंगे जिससे क्या होगा कि ट्रांसमेशन कम हो जाएगा दिस ऑल्सो इंड्यूस इस्टोमेटा क्लोजिंग साइकोसिल सीसी क्लोरो मेकाट अब है नेक्स्ट विंड ब्रेकर एंड सेल्टरबेट विंड ब्रेकर आर सच स्ट्रक्चर विच ब्रेक द विंड फ्लो एंड रेड्यूस विंड स्पीड ये क्या करता है कि विंड का जो फ्लो है उसको ब्रेक कर देगा और उसकी स्पीड को कम कर देगा वायर सेल्टरबेट

इसमें अपनाया जाता है इट इज ए ट्री क्रॉप प्लांटिंग सिस्टम एग्रो फॉरेस्ट्री को ट्री क्रॉप प्लांटिंग सिस्टम भी कहा जाता है अब हम बात करें कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ तो एग्रो क्या है एग्री सिल्वी कल्चर एग्री सिल्वी कल्चर मतलब क्या कि एग्रीकल्चर के साथ साथ में फॉरेस्ट क्रॉप को भी लगाना द ग्रोइंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप अलोंग विद द विदॉरस्ट्री इज नोन एज एग्री सिल्वी कल्चर मतलब वहा पे एग्रीकल्चर क्रॉप भी होगी और फॉरेस्ट ट्री भी होंगे सालवो पास्टोर सिस्टम फॉरेस्ट मैनेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वुड एज वेल एज फॉर रियरिंग ऑफ डोमेस्टिकेट एनिमल यहाँ पर सोलो सिस्टम में क्या रहेगा कि वूड के वोड के लिए प्लांट भी लगाए जाएंगे और साथ साथ में एनिमल को भी अपन डोमेस्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे सिल्वी कल्चर और पास्चर मैनेजमेंट एग्रोसल्वो पास सिस्टम एग्रो साल्वो पास्टोर सिस्टम में क्या रहेगा एग्रीकल्चर क्रॉप उसके साथ में फॉरेस्ट क्रॉप फॉरेस्ट क्रॉप के साथ में पास्टर मैनेजमेंट एग्री होटी सिल्वर कल्चर एग्री होटी कल्चर में क्या रहेगा एग्रीकल्चर क्रॉप प्लस हॉर्टिकल्चर प्लस सिल्वीकल्चर कल्चर एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर सिस्टम इसमें एग्रीकल्चर फॉरेस्ट क्रॉप और अपना फिश प्रोडक्शन को भी अपनाया जाएगा मतलब तो एक साथ दो दो तीन तीन खेती की जाएगी एग्रीकल्चर